अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के सामने खड़े हैं। बिमला सिन्हा भारतीय महिला संगठन की महामंत्री हैं और चंपारण की रहने वाली हैं, और चंपारण से एक विवाद पैदा हुआ है जिसमें एक यहाँ के पत्रकार, बिहार के पत्रकार हैं जो बड़े अपने को नामी पत्रकार कहते हैं, और चंपारण के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ज़रा इनसे जान लें। हाँ बिमला जी, आप भी चंपारण की रहने वाली हैं और वो पत्रकार भी चंपारण के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आप लोग मीडिया वाला भैया के हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और गरीब गुरिया के गार्जियन लल्लू पिताजी के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। रावड़ी माता तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया को हम बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहती हूँ। मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे के बाद उनको मुख्यमंत्री से कोई रोकने नहीं जा रहा है। मैं चंपारण के रहने वाली। वो तो मनीष कश्यप तो कह रहे हैं कि यदि मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। वो क्या करेगा, गोली मार देगा? वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री, हम यदि जेल जाएंगे तो हम बनने नहीं देंगे। हमारा तेजस्वी है उसको जेल भेज रहे हैं, ओकरा नियर कितना उनको कुछ कौची कौची बोलता है तो वो कितना पर केस करेंगे। मेरा तेजस्वी भैया केस मुकदमा किसी पर नहीं कर रहे हैं, वो कानून कर रहा है। हम यदि किसी के कुछ बोल देंगे, किसी के गाड़ी दे देंगे, आपके कहेंगे पत्रकार आपके करने नहीं देंगे। आप मेरे पर केस करिएगा कि नहीं करिएगा, आपको पूछना चाहते हैं, आप करिएगा कि नहीं करिए? आपका हम रोकने वाला कौन होते हैं? जनता आप ही हैं। देखिए, रोड पर फुटपाथ दुकानदार हैं, गरीब गुरिया हैं, लंगड़ा हैं, लुल्ला हैं, काना हैं, कोड़ा है, वो वोटर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहता है कश्यप। मनीष कश्यप ऐसा क्यों कह रहा है? अरे मनीष कश्यप ऐसा के कह रहा है, उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनके बोलने के लूरे ने उनको जितना जल्दी दिमाग के इलाज करिए। मेरा चंपारण के तो बदलाव करिए दिए हैं उनको, पहले सब से हारिए पत्रकार है, वो हैं जी। तो मनीष कश्यप चंपारण का है तो चंपारण को बदनाम कैसे कर दिया? ऐसे किया बदनाम? वो कह रहा है कि फलना का पूरा वहाँ झंडा लहरैले है, सारा अथी वहाँ के चंपारण के सारा गरीब गुरिया धनी कमीर सब अथी लल्लू यादव जिंदाबाल तेजस्वी भैया जिंदाबाल कर रहा है। सारा लोग हमें पूरा उन पर भड़का उठा हुआ है, पूरा भड़क गया है। काहे भड़का है? काहे भड़का है कि ये बोलने के लूर है इसको। हम लोग फॉलो कर रहे थे कि अरे चंपारण के बेटा है, आगे बढ़ेगा कि हम लोग का नीचे ले गया। काहे नीचे ले गया? नीचे ले गया, अब ले बताइए ऐसा ऐसा लड़की के बारे में क्या निकाला? देखे हैं जी, ऊँटो में देखे हैं जी, हम लोग का बोलने के लायक नहीं है। उसी दिन से उस पर सारा जनता भड़क गया। तमिलनाडु वाला देखिए, वो भी देखिए कितना सच्चा है। मनिया कश्यप दिखाता है, सचन दिखाता है। वो मनिया मन कश्यप जी वो बोले कि हम तो अति मोहम्मदम के दे दो तुम लोग धन, हम हिंदू के देते। उसके कई करोड़ बीघा जमीन है जो हिंदू के दे देगा धन, कई करोड़ बीघा जमीन है वो दे देगा अति सारा हिंदुस्तान में सारा हिंदू के दे देगा जमीन, पूछे उसे। लेकिन लाखों लाख बिमला जी, लाखों लाख लोग मनीष कश्यप को कहते हैं कि अच्छा आदमी है। कोई ना अच्छा है, वो बोलने के लूरे नहीं, जो लफुआ लोग है वही अच्छा कहता है। अच्छा लोग उसको एगो फॉलो नहीं करता है, अच्छा लोग फॉलो नहीं करता है। जो अमी जो उसको फॉलो करता था, जो आदमी गलत है वो अमी उसका खिलाफ है। अमी आपका कागज़ पर लिख दे रहे हैं, वो भी उसको खिलाफ है। वो भी कह रहा है कि मनीष तुम सुधार जाओ, तुमको बोलने के लूर नहीं है, तुमको मनीष सुधार जाओ, तुमको बोलने के लूर नहीं है, तुम कैसे तुम अंगुरी उठा दिया उन पर तेजस्वी पर। अरे तेजस्वी जी पर उसको अंगुरी उठेला से क्या हो जाएगा? वैसा कितना उठाता है, वैसा कितना बोलता है, उसे उठाने से क्या हो जाएगा? लेकिन बिमला जी, अभी आपने एक बड़ी सच्चाई की बात कही कि तेजस्वी जी पर कोई मोदी जी या कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कानून कार्रवाई कर रहा है। तो आप मानती हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, छापा पड़ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो कानून कर रहा है, मोदी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए एक बात कहें, ये जो करवा रहे हैं पहले वो तो मोदी जी की शिकायत किया, वो देखिए यूट्यूब में देखिए, पहले तो कश्यप मोदी जी की शिकायत किया, उसके बाद तेजस्वी नीतीश जी की शिकायत किया, उसके बाद यहाँ उन्हें टिकट के बात की। जब टिकट देने वाली बात नहीं हुई तो भड़क गया कि इसको चलो खिलाफ कर देंगी, कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगी, ओकरे हाथ में वोट है। पहले अपना जमानत बचाया, एक बार चुनाव लड़ा था ना, बाढ़ सबके कौची बोलता है, बाढ़ सदस्य के
पहले जमानत बचाया और चल दिया विधायक एमपी के चुनाव लड़ने के लिए। इतना इतना व्यू जाता है, लाखों लाख रुपया कमाता है। कुछ नहीं, ऐसा ऐसा झूठ सच के पेवर करता है, फॉलो करता है कि लोग सच्चे मान जाता है। मगर आजकल सबके मोबाइल हाथ में हो गया है कि मनीष के करता था, फॉलो करता था, ऐसा कि नहीं करता था। मगर मनीष जी के देख करके सारा लोग भड़क गया, काय भड़क गया कि जो लड़की वाला फॉलो किया गलत निकल गया, एगो वहाँ वाला किया गलत निकल गया। इसके लिए सारा बिहार एकदम पूरा दम मतलब कहना आप चाहती हैं कि मनीष कश्यप जान के न्यूज बनवाता है। बनवाता है, हाँ, जान के न्यूज बनवाता है वो पैसा कमाने के लिए कि मेरे ऊँटो के सस्पराय करे। सस्पराय देता है पैसा के देता है, कमाता है, कहता है ऊँटो वाला पैसा देता है, हम तो जानते हैं। कह रहा कि फिर से लड़ेंगे चुनाव। वो चुनाव लड़े कई को वोट मिलता है, लड़े चुनाव। चंपारण की जनता देगी ना वोट? नहीं देगा, कोई नहीं देगा वोट उसके में। हम जाएंगे उसके मनीष हमारा सामने माँ बहन बात करें, मनीष हमारा सामने में, मनीष हमारा सामने बात करें उसका हम चाचिन लगेंगे जी, उस क्षेत्र का चाचिन लगेंगे जी उसके। ऐसा सा मेरा बेटा है। चलिए ठीक है, ठीक है, है? बिमला सिन्हा थी महिला संगठन राजद की महामंत्री, चंपारण की रहने वाली। जो घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई हैं तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, उसकी सच्चाई सामने आने लगी है। और जिस पत्रकार मनीष कश्यप की बात हो रही है उनकी भी सच्चाई खुलने लगी है। अब देखना है कि बिहार सरकार या तमिलनाडु सरकार की कानून व्यवस्था मनीष कश्यप पर या उन जैसे पत्रकारों पर क्या कार्रवाई करती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बिहार प्रदेश के राजद कार्यालय से मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।